हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरू का रेसिपीज में आपका स्वागत है। नवरात्रि का सीजन है तो आज हम व्रत की तीन तरह की चटनी बनाएंगे। तो चलिए ये व्रत की चटनियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हरे धनिए की चटनी बनाएंगे। हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम हरा धनिया ले लिया है। चटनी के लिए ध्यान रखना है, इसकी जो पतली डंडी है इसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। इसी से चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही में मैंने धनिया का चौथा हिस्सा पुदीना डाला है। आप चाहें तो केवल हरे धनिए से भी चटनी बना सकते हैं। दो हरी मिर्चों को इस तरह से तोड़ के ले लिया है मैंने। आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के ले लिया है। एक चम्मच जीरा, आधा नींबू का रस, एक चम्मच दही, और आधा सेंधा नमक लिया है। साथ ही में हम डालेंगे एक चौथाई कप पानी। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में चटनी को पीस लिया है। देखिए चटनी में कितना अच्छा कलर आया है। देखिए अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आप पानी की जगह बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी चटनी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो लीजिए, हरे धनिए की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम नारियल की चटनी बनाएंगे। तो नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप नारियल को इस तरह से बारीक काट के ले लिया है। इसका ऊपर का ब्लैक वाला छिलका निकाल लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 2 हरी मिर्ची को इस तरह से तोड़ के ले लिया है। आधा नींबू का रस ले लिया है। आधा चम्मच जीरा लिया है। और 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है यहाँ पे। इसके लिए मैंने 1/4 कप पानी डाला है। अगर जरूरत पड़ी तो पीसते टाइम हम और भी पानी डाल देंगे। अब इसको भी मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो लीजिए, कोकोनट की चटनी पिसके तैयार हो गई है। देखिए अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक बाउल में इसको निकाल लूंगी। अभी ये चटनी तड़के बिना अधूरी है, तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़के के लिए मैंने तड़का पैन में 1 चम्मच घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 छोटे चम्मच जीरा डाला है। जीरे को सिकने देंगे। जीरा सिक के तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तड़के को इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए, नारियल की चटनी भी बनके तैयार हो गई है। अब हम मूंगफली की चटनी बनाएंगे। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया था। अब इन मूंगफलियों को चटनी जार में डाल देंगे। साथ ही में हम 2 हरी मिर्ची को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा, 1/2 नींबू का रस,
एक चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच दही, और एक चौथाई कप पानी डाल देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पीसते टाइम हम और पानी डाल देंगे। मूंगफली की चटनी पीस के तैयार हो गई है। देखिए कितनी स्मूथ, एकदम क्रीम जैसी चटनी बनी है। अब इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने का वही सेम प्रोसेसर है, घी गरम कर लिया है मैंने यहाँ पे, तो इस बार मैं तिल का तड़का लगाऊंगी। लो फ्लेम पे तिल को सिकने देंगे। आपको जीरा, तिल जो भी पसंद है आप किसी का भी तड़का लगा सकते हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तड़के को इस मूंगफली की चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो लीजिए, ये मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इन सभी चटनियों को अप्पे या साबुदाना वड़ा किसी के साथ सर्व करिए और इस नवरात्रि सीजन को एंजॉय करिए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।